मुख्यमंत्री चयन प्रकरण पर ये लेटेस्ट अपडेट है, वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में आ गया है कैलाश चौधरी का नाम सामने आया। चौधरी है, बाड़मेर से सांसद और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भी है। राजस्थान की राजनीति में वो ओम माथुर के काफी करीबी माने जाते हैं। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार राजनाथ सिंह ने कैलाश चौधरी को मैसेज किया है, 3 बजे जयपुर पहुंचने के लिए उन्हें मैसेज किया है राजनाथ सिंह ने। इस समय कैलाश चौधरी संसद की कार्यवाही में भाग ले रहे हैं, दिल्ली में मौजूद है क्योंकि लोकसभा में मौजूद नहीं है केंद्रीय कृषि मंत्री। इस वक्त मौजूदगी उनकी नहीं, ऐसे में कृषि से संबंधित प्रश्नों का जवाब लोकसभा में कैलाश चौधरी देंगे और उसके बाद 3 बजे चार्टर प्लेन से कैलाश चौधरी का जयपुर आने का कार्यक्रम है। अब ये बेहद लेटेस्ट अपडेट है मुख्यमंत्री चयन प्रकरण पर, क्योंकि नामों को लेकर चर्चाएं हैं। अब दौड़ में आगे आ चुके हैं कैलाश चौधरी, मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में सबसे आगे। चौधरी है बाड़मेर से सांसद और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री है। राजस्थान की राजनीति में वो ओम माथुर के करीबी माने जाते हैं। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार राजनाथ सिंह ने कैलाश चौधरी को मैसेज किया था, 3 बजे जयपुर पहुंचने के लिए मैसेज है कि 3 बजे वो जयपुर पहुंच जाए, ये मैसेज राजनाथ सिंह ने किया। इस समय कैलाश चौधरी संसद की कार्यवाही में भाग ले रहे हैं क्योंकि लोकसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री की मौजूदगी अभी नहीं है, केंद्रीय कृषि मंत्री मौजूद नहीं है और कृषि से संबंधित जो प्रश्न है उनके जवाब लोकसभा में कैलाश चौधरी देंगे। और ये बेहद अहम खबर, 3 बजे चार्टर प्लेन से कैलाश चौधरी का जयपुर आने का कार्यक्रम है। देखिए लगातार नाम सामने आ रहे हैं और नामों पर कयास लगाए जाए, बात की जाए, क्योंकि आज तय हो जाएगा राजस्थान को मुख्यमंत्री आज मिल जाएगा और वही चिट्ठी लेकर राजनाथ सिंह आ रहे हैं और उस चिट्ठी में बेहद अहम नाम और उस नाम में कैलाश चौधरी का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। और चलिए इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ बात करने के लिए पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, देखिए बहुत सारे नाम है, लंबी लिस्ट है जिसको लेकर चर्चाएं हो रही थी, लेकिन अब आज क्योंकि राजस्थान को मुख्यमंत्री मिलना तय है, ऐसे में अब कैलाश चौधरी का नाम सामने आना, सबसे आगे दौड़ में होना, क्या मायने निकाले जाए और क्या अपडेट आपके पास इससे रिलेटेड? बड़ी खबर है और इसलिए बड़ी खबर है क्योंकि कैलाश चौधरी ने विधायक का चुनाव नहीं लड़ा था, वो केंद्रीय मंत्री के औहदे पर है। चुनाव लड़ने की इच्छा थी उनकी बायतू से, पचपदरा से और बाड़मेर से, लेकिन यहाँ पर जिस तरह का अपडेट सामने आया है उस अपडेट में ये बड़ी खबर यही है, कैलाश चौधरी को बुलाया गया है। संदेश कैलाश चौधरी के पास आ चुका है और अब कैलाश चौधरी आज शाम तक जयपुर पहुंच जाएंगे और जिस तरह का घटनाक्रम है उसमें केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का नाम अपने आप में प्रमुखता से है। मालानी की धरती से आते हैं, सरहदी इलाके से वो सांसद है बाड़मेर से, और आपको बता दूं कि राजनीति में वो तब चमके थे जब उन्होंने प्रवास के दौरान जब बाढ़ आई थी उस वक्त सोनिया गांधी का विरोध किया था। सोनिया गांधी जब तत्कालीन चेयरपर्सन थी यूपीए की, उस जमाने में कैलाश चौधरी ने विरोध किया था और उसके बाद वो राजनीति में चमके थे। किसान मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, विधायक रहे हैं और उन्होंने बायतू से चुनाव भी लड़ा है, बायतू से उन्होंने हरीश चौधरी को भी चुनाव हराया हुआ है विधायक का, और तेज कसान नेता है, विद्यार्थी परिषद में भी रहे हैं और प्रखर कहा जा सकता है कि राष्ट्रवाद हिंदुत्व की बात कहने वाले उस इलाके के एक बड़े नेता के तौर पर जाना जाता है कैलाश चौधरी को। लेकिन जिस तरह का घटनाक्रम है, जिस तरह की ये पूरे राजनीतिक समीकरण है, इन समीकरणों में कैलाश चौधरी को जिस तरह का संदेश मिला है वो अपने आप में बेहद अहम है श्वेता, और इस संदेश का मतलब ये कि प्रदेश की जाट राजनीति में अब हलचल तेज हो गई है। सबसे बड़े जाट नेताओं में शुमार है बीजेपी के और एक तरह से कहा जाए आयु के लिहाज से भी युवा नेता के तौर पर कैलाश चौधरी को जाना जाता है और सभी कैंपों से इनका तालमेल है। ये सबसे बड़ी बात है कि सभी कैंपों से इनका तालमेल है, संघ की पसंद के तौर पर भी देखा जाता है और पूरे इस घटनाक्रम के अंदर अब एकदम से जब कैलाश चौधरी का नाम सामने आया है, ये नाम अपने आप में कहा जा सकता है कि तमाम उन नामों से अलग है जो अब तक चर्चाओं में थे और ये भी कहा जा रहा था कि 115 विधायकों के बीच में से ही कोई होगा। वैसे में कैलाश चौधरी 115 में नहीं आते, लेकिन वो बाड़मेर से सांसद है, बाड़मेर और जैसलमेर के सांसद के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री के अहदे पर है। आपको ध्यान ही होगा कि एक कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश लाया गया था, चुनाव लड़ाया गया था, वो वहाँ के स्पीकर हैं, और वहीं कैलाश चौधरी का नाम प्रमुखता से मुख्यमंत्री के रेस में
अब शुमार हुआ है, आगे हुआ है और किस तरह से उनके नाम को लेकर अब विधायक दल की बैठक में किस तरह का मैसेज रहता है, क्या आलाकमान उनके नाम पर मोहर लगाता है, पूरा ये घटनाक्रम अपने आप में नए समीकरणों का संकेत देता है। क्योंकि अभी तक जो बात सामने आई थी उसमें यही था कि कोई भी केंद्रीय मंत्री को आज बुलावा नहीं भेजा गया था, न किसी केंद्रीय मंत्री के आने की कोई सूचना सामने आई थी, चाहे वो गजेंद्र सिंह शेखावत हो, चाहे वो अर्जुन राम मेघवाल हो और राजस्थान कोटे से चाहे भूपेंद्र यादव हो। ऐसे में अब कैलाश चौधरी के पास संदेश गया है तो ये अपने आप में बहुत अहम है और अपने आप में कहा जा सकता है कि अब कैलाश चौधरी राजस्थान पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर किसी न किसी जिम्मेदारी को लेकर उनको इस बात से जोड़कर देखा जा रहा है। जी बिल्कुल योगेश, बेहद अहम है क्योंकि देखिए ये हर कोई जानता है। फिर हमने छत्तीसगढ़ में देखा, हमने मध्य प्रदेश में देखा, इससे पहले भी राज्यों में देखा कि एक अलग स्ट्रैटेजी होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आप कयास कितने भी लगाते रहो, आप प्रेस में कितने भी नाम रख लो, लेकिन जो नाम आता है वो बहुत सरप्राइजिंग होता है, जो दौड़ में होता नहीं है, रेस में होता नहीं है। और अभी कुछ देर पहले भी किरोड़ी लाल मीणा भी यही बात कह रहे थे कि देखिए सरप्राइज ही होगा, सरप्राइजिंग भी कुछ आएगा सामने नाम, और अभी कोई कुछ सोच और समझ नहीं सकता न बोल सकता है। ऐसे में इनके पास फोन आना, इनका 3 बजे तक कैलाश चौधरी का जयपुर पहुंचने की बात कहना, ये काफी कुछ इंडिकेट करता है कि क्या वाकई में वो सरप्राइज की जो बात की जा रही थी, क्या वो कहीं कैलाश चौधरी तो नहीं है। लेकिन क्या माना जाए योगेश जी कि नाम कुछ ऐसे ही रहेगा, कैलाश चौधरी जैसे जिक्र किया, अब वो दौड़ में सबसे आगे आ चुके हैं और ऐसा ही कुछ रहने वाला है राजस्थान में, भले ही इतने दिनों से वो 15 नामों की लिस्ट कितने भी चला ली जाए, कितने भी उस पर बात कर ली जाए। देखिए अश्विता, एक और खबर हमारे सामने आ रही है जी कि बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन सह मंत्री सुनील बंसल जयपुर पहुंचे हैं। ये बात भी अभी अभी पता लगी है कि सुनील बंसल जयपुर पहुंच गए हैं, तो अपने आप में ये भी बहुत महत्वपूर्ण खबर है। सुनील बंसल वैसे राजस्थान से ही हैं, वो कोटपुतली से उनका ताल्लुक है, कोटपुतली के वो निवासी है। ऐसे में सुनील बंसल का जयपुर आगमन विद्यार्थी परिषद के प्रमुख लीडर्स में शुमार रहे हैं और खासतौर से ये कहा जा सकता है कि राजस्थान में विद्यार्थी परिषद की जड़े जमाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, उसके बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार लाने में उनका बड़ा योगदान रहा और अभी कुछ समय से संगठन के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अमित शाह के बेहद नजदीक है, सुनील बंसल का भी जयपुर आगमन हुआ है, ये भी एक बड़ी खबर सामने आई। और कैलाश चौधरी को लेकर जब बात कर रहे थे, कैलाश चौधरी कुछ देर बाद उनके भी जयपुर आगमन की बात की जा रही है, तो अपने आप में तेजी से राजस्थान का राजनीतिक समीकरण है वो समय कहा जा सकता है बेहद प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल योगेश जी, और ये बड़ा अपडेट है जो भी आपने दिया कि सुनील बंसल भी जयपुर पहुंच गए हैं, क्योंकि अभी आज का दिन राजस्थान के लिए कितना अहम है और पॉलिटिकली हर एक स्टेप भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन पहुंच रहा है, कौन आ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ कोई भी पहलू, और ऐसे में कोई उसी पार्टी का बड़ा चेहरा, बड़ा नेता और अचानक जयपुर पहुंचे तो उसे भी योगेश जी जोड़कर तो इसी से देखा जाएगा, मुख्यमंत्री का ऐलान आज राजस्थान में, ऐसे में सुनील बंसल का भी पहुंचना। सुनील बंसल अपने आप में डार्क हॉर्स है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है उस घटनाक्रम में तमाम चीजों को जोड़कर देखा जा रहा है किस तरह आगे आना है, नए चेहरों को किस तरह से लेना है, जिस तरह से पूरा ये समीकरण है वो यहाँ प्रभावित होंगे। तो सुनील बंसल का जयपुर आगमन अपने आप में भी नए समीकरणों को प्रभावित करता है और खासतौर से संघ की राजनीति से जुड़े हुए हैं और अमित शाह के बहुत नजदीक है। ये पूरे देश की राजनीति में ये बात प्रसारित है कि अमित शाह के बेहद नजदीक है, यहाँ पूरा राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से जयपुर के अंदर नजर आ रहा है। सुनील बंसल कहा जा सकता है अपने आप में काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं और कैलाश चौधरी का आगमन होने वाला है और भी कुछ केंद्रीय मंत्री भी संभावना है, माना ही जा रहा है कि गजेंद्र सिंह शेखावत की जयपुर आ चुके हैं, लेकिन उनकी सूचना अभी तक पुख्ता तौर पर सामने नहीं आई है। लेकिन कैलाश चौधरी का आगमन अपने आप में किसान राजनीति और सरहद की राजनीति को लेकर नई बातों को प्रभावित करता है। जी बिल्कुल योगेश जी, अब 3 पर्यवेक्षक जयपुर में राजनाथ सिंह का इंतजार हो रहा है, विधायक लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और कौन से चेहरे हैं जो इस दौरान मौजूद रह सकते हैं, क्योंकि जानकारी जैसे कि आप दे रहे हैं और भी अपडेट आ रहे हैं कि जयपुर पहुंचने का सिलसिला जारी है, क्योंकि और किसी की मौजूदगी इंपॉर्टेंस नहीं रखी कि जब तक कि इससे जुड़ा हुआ पहलू ना हो, तो क्या किसी और के भी पहुंचने की जानकारी पुख्ता हुई है? देखिए
अभी तक तीनों पर्यवेक्षक, जिसमें मुख्य पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री